हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन नीति लागू को कराने के लिए उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़ी सभी विभागीय यूनियन ने आज गुजर धर्मशाला पलवल में इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए जिला प्रधान जिले सिंह भड़ाना की अध्यक्षता में उपायुक्त पलवल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में होडल हतीन पलवल ब्लॉक के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए सुनते हैं हरियाणा महासंघ कर्मचारी जिला अध्यक्ष जिले सिंह ने जानकारी देते हुए क्या बताया। पलवल से प्रवीण आहूजा की खबर। मेरा नाम जिले सिंह भड़ाना है, मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला प्रधान हूँ। आज जो हमने विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया और अपनी मांगों का मांग पत्र माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से मैं मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जो दिया है उसमें हमारी मुख्य मांग है, 5 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा। उसमें मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाल करना, दूसरी मांग है हमारी एक्सग्रेशन नीति जो है लागू करना, तीसरी जो हमारी बात है तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। जब तक वो पक्के नहीं होते तब तक उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निर्णय अनुसार उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। पूर्णतः सभी बीमारियों में कैशलेस फैसिलिटी मेडिकल सुविधा लागू की जाए और निजीकरण पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। ये हमारी मुख्य 5 मांगें हैं और इन्हीं को लेकर के हमने आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का मांग पत्र दिया है। अगर सरकार ने समय रहते हुए हमारी मांगों पर ध्यान